We are having this, the national breakfast. The thing is कि हम लोग इस गाड़ी को लेने आए अभी और इस गाड़ी में कल लग गई थी आग. पूरा ये हाल हो रखा है गाड़ी का. लेकिन आग इनसे नहीं लगी थी. ये स्टोरी मैं आपको अब मतलब घर पे पहुंचने के बाद बताता हूँ, क्योंकि अभी ये सब कारवां चल रहा है और बारिश भी हो रही है. जब मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ. ठीक है, मैं आप लोग को इसकी कंप्लीट स्टोरी बताता हूँ. ये जो कांड है ये कल ही हुआ है और यहीं इसी रोड पे हुआ था और गाड़ी रात भर यहीं खड़ी थी. तो ये शिट, टोचन भी टूट गया. अब क्या किया? अब रस्सी लगाएंगे. आओ तो ए बस बस गाड़ी स्टार्ट है क्या? ऑटो लॉक हो जाती है. रस्सी बांध दे. ये सब फेल चीज़ें हैं. मैंने ली थी वहीं से, ली थी ये दिल्ली से. मोटा ला लेना चाहिए तो. अरे उसके पास यही था, उसने बोला अरे ये 10 टन खींच देगी, ये खींच देगी, वो खींच देगी. चलो ये पता है हाईवे पे सक्सेसफुल है ये. क्यों चले भैया हाईवे पे? अगर सीधी रोड है ना तब ये काम की चीज़ है. दोबारा डबल डबल करके बांधना, डबल करके बांधे है तो व्यवस्थापक हुआ. यहाँ से हम बताएंगे ना, हम भी बिक जाएंगे तो कैसे बताएंगे. सही बात है. रुको एक बार गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ कि क्या दुर्दशा हुई है गाड़ी के साथ. तो यही रीजन था कल का नहीं ब्लॉग बनने का, क्योंकि कल जब मैं वहाँ पे मैंने जब कल वाले ब्लॉग का इंट्रो दिया था और उसके तुरंत बाद ही हमें फोन आ गया था कि गाड़ी में ऐसा ऐसा हुआ है. Hey guys, what is up? This is your very own Gaurav Vaidav and welcome to another vlog. तो अभी हम लोग गाड़ी यहाँ पे लेके आए एक ऐसी मतलब फोटोशूट के लिए. अभी कहीं जाना है इसलिए हमने सोचा खाली टाइम थोड़ा फोड़ा जाए. लोकेशन बड़ी अच्छी है, मतलब खेती है और नदी के पास है, इसलिए मतलब गाड़ी ने फायर कैच कर लिया. तो हम लोगों ने तुरंत रश किया और मैं एकदम मतलब आया. अब ये आग हमारे मतलब हम मैं ड्राइव नहीं कर रहा था, ना ही हमारा कोई भाई भाई कर रहा था. तो ऐसा हो गया एसी की फॉल्ट की वजह से. इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको घर पे चलने के बाद बताता हूँ. अभी हम टोचन कर लेते हैं. एक बार आप कंडीशन देखिए कि क्या दुर्दशा हुई है गाड़ी की. एसी का पूरा सिस्टम ही जल के, ये एसी का फैन हो गया है. ये यहाँ से कॉइल इसकी जली है और डैशबोर्ड में आग लगी और ये साफ हो गया. लेकिन ये तो मैं इसका ये फिल्म निकाला ना. अच्छा फिल्म निकाल दिया फिल्म. और ये यहाँ तक शीशा क्रैक हो चुका है, डैशबोर्ड पूरा जा चुका है. तो मतलब मोटा खर्चा है इसमें गाड़ी में. बट सबसे मेन बात ये कि किसी को कोई हार्म नहीं हुआ, मतलब सब लोग सेफ थे जो गाड़ी में थे. सब लोग क्या, दो ही लोग थे. तो यही रीज़न था कल कोई व्लॉग ना बनने का, क्योंकि यार अब ऐसी सिचुएशन में पैनिक हो जाता है इंसान. और मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं वहाँ से तुरंत निकला और यहाँ पे आया और फिर उसके बाद फिर मूड ख़राब हो गया. कल ही परसों मैंने इस गाड़ी को पूछा था, व्लॉग डाला था तो थोड़ा टेंशन हो गया था, इसलिए फिर हमको तुरंत रश किया, कोई व्लॉग नहीं बना कल. तो अभी आज हम गाड़ी को लेने आए हैं, रात भर यहीं खड़ी, बारिश हो रही है. विसी अब इसको हम कैसे लेकर जाते हैं, टोचन तो टूट गई है जो मैं लेके आया था दिल्ली से. ये बात तो प्रूफ है कि देसी जुगाड़ी चलता है यहाँ पे. ये सब मॉडर्नाइजेशन ने ना बर्बाद करके रखा है. और ये मेरे को 350 का पड़ा था. रख दो, हुक काम देगा, हुक काट कर बनाएंगे दूसरा इसका. गाड़ी की सीट बेल्ट जो होती है ना उससे बनेगा तगड़ा. ये उसमें जो हुक था वो कहाँ गया? गाड़ी में नहीं, गाड़ी में नहीं है. अच्छा वो टूटा हुआ उधर है. हाँ बराबर. नहीं डिग्गी नहीं खुली रहेगी, भीग भीग जाएगी. नहीं भीगे. अरे भीग जाएगी समझो, मैं बता रहा हूँ नहीं जाएगा. सुनो ना डिग्गी मत खोलो. आप एक काम करो, कॉल पे रहो 24, मतलब 24/7 कह रहा हूँ अभी जब तक है टोचन. कॉल पे रहो और हजार चला लो. क्या कह रहे हो? गेट बंद कर रहा हूँ. चाबी दिया क्या मैं? पकड़ा, निकालो पहले गाड़ी निकालो निकालो. हम लोग मजबूती चाहे. वो हैजार्ड ऑन कर लो, हैजार्ड कर लिया उन्होंने, कर लिया. पर चलो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मतलब इंजन में कोई आग नहीं लगी थी, ये एसी के फॉल्ट की वजह से आग लगी थी. फॉर्चुनर है भाई वो. हॉर्न दो, हॉर्न. चलो तू लोग बैठो ना यार.
ये टाइट नहीं है, व्हील स्पिनिंग कीचड़ है ना, रोड पे लो तब लोग चढ़ते। लेट्स गो फ्रॉम दिस साइड। भाई साहब बहुत तेज आ रहा थे तो। अरे अरे रुकेंगे कि नहीं, ओए पानी इतना आगे जाके रुके, ये लोग तो हमको छोड़ ही दिए होते। ये तो बस की तरह हमें फॉर्च्यूनर पकड़नी पड़ रही है। भगाते गाड़ी पकड़वाया हो, एक कोई दिक्कत तो नहीं, ब्रेक वेक काम कर रहा है? हाँ ब्रेक को, ब्रेक काम कर रहा है? ब्रेक काम कर रहा है? ब्रेक काम कर रहा है हल्का हल्का। देखो झटका मत मारो, इधर से दिख रहा है झटका मार रहे हो। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चल चलो ठीक है, मंत्री मत बनो, एंजॉय। पकौड़ी खाना है, चलो ठीक है, हम आपको देख रहे हैं यहाँ से। पेडल में क्या होगा, आप माइनस करोगे ना, तो फिर जो बीएमडब्ल्यू ऑडी होती है वो लोग कभी भी गाड़ी पे ब्रेक ज्यादा नहीं मारते हैं, क्योंकि अगर 100 की स्पीड पे 140 पे ब्रेक मारेंगे तो उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है, तो लोग गियर माइनस करते हैं तो गाड़ी जैसे अगर मैनुअल को आप 2-1 पे डालोगे तो होती है ना, तो ये उस चीज के लिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप 140 पे चल रहे हो, आपको गाड़ी को 100 पे लाना है विद लेस ब्रेकिंग, तो आप गाड़ी को डालोगे 4 या तो 3rd पे और हल्का सा ब्रेक मारोगे गाड़ी रुक जाएगी, मतलब गाड़ी 100 में आ जाएगी, और ऐसे ही ये नीचे तक है डाउन मार। हाँ ये हिसाब है इस गाड़ी का कि लेस पावर जनरेशन, काइंड ऑफ मैनुअल। डट रहे शिट, वी हैव मिस्ड सम ग्रेट कंटेंट, पूरे गंदे हो गए, शीशा डाउन करना। मसाला राइट है, खड़ा मसाला और मिर्चा। और हाँ आज का व्लॉग का तो वेलकम हुआ ही नहीं, सो हे गाइस व्हाट इज अप, दिस इज योर वेरी ओन गौरव यादव एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये इस कार भाई बादल कर जाने, मेरे को लगा कुछ बम्पर वम्पर टूटा पीछे। फॉर्च्यूनर का नाम क्या होगा यहाँ पे? फॉर्च्यूनरिया, फॉर्च्यूनरिया। थार का नाम थारिया, थारिया। प्लेट भी थरवा, बुलेरोया, बुलेरो को बुलेरोया। और कौन सी है? जीप कंपस नहीं चलती यहाँ पे, जीपिया तो आपकी वो होगी ना पुरानी वाली, अटोइया पकड़ के आई नहीं, अटोइया अटोइया। और कौन सी गाड़ी है? टेम्पुआ पकड़ के आला नहीं, टेम्पुआ टेम्पुआ टेम्पुआ, बसिया बस बसिया बसवा, हीरो होंडा वा, हीरो होंडा वा से चल जा। और कौन सा? बुलेटिया, मर्सिडीजिया, बीएमडब्ल्यूया, बीएमडब्ल्यूआ, एंडेवरिया, एंडेवर नहीं एंडेवरिया। पीछे वाला कुछ एक्स्ट्रा टाइट है, उछाल के टाइट है। हाउ शुड हाउ शुड डिड ही मेक इट, डिड ही मेक इट। हां हो गया, हो गया। यहां पे भी शायद उतरना ना पड़े इस वाली रोड पे, क्या बोलते हो? आता ना मेरे को ना, अभी चलो मत चला, तेरे रुको रुको रुको, गाड़ी घूमेगी नहीं। हां रखो, गाड़ी घूमेगी नहीं, घूमेगी। हां चलो पीछे घूमेगी, घूम जाएगी राहुल भैया, घूम जाएगी। आराम से लो, आराम से, धीरे धीरे। ये ब्लॉग में गाली दे रहे, आराम से। हेलो भैया, नीचे जा रही, नीचे जा रही, नीचे जा रही, घूम गई, घूम गई। मैं देख रहा हूँ ना, तो घूम ही कहाँ है ना, हम ड्राइवर हैं, डॉक्टर का ड्राइवर थोड़ी है। एक्सपर्ट सर इन द हाउस, सबसे ज्यादा खतरनाक उस पे रहेगा। अब असली टास्क शुरू हुआ आपका, बारिश कम होगी? हाँ कम है।
उनका का नाम रहता ना दैनिक दूसरे तो। डी पे नहीं एल पे नहीं रहता लेके आओ आराम से आगे खींचो 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 पीछे लेके चलो मिशन सक्सेसफुल गाड़ी घर पे आ गया वो बज गया इधर मत लगाना तो ये सब पार्ट जले ये एसी का था और ये हीटर कहाँ बता रहे थे आप ये गाड़ी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम था वो जो आप लोगों ने देखा ऑलमोस्ट 3-4 घंटे तक सोया हूँ यार मैं जब से आया हूँ थक गया थे और आप लोग को गाड़ी दिखाता हूँ खुलने के बाद कैसी लगी है यहाँ खड़ी की है ऊपसी ऊपसी एसी तो पूरी है तो स्कॉर्पियो का शेविंग हो गई लग रहा है तो स्केलेटल सिस्टम दिख रहा है स्कॉर्पियो का हाँ आज का ब्लॉग का तो वेलकम हुआ ही नहीं सो हे गाइस व्हाट इज अप दिस इज योर वेरी ओन गौरव यादव एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग गदा यादव नहीं गौरव यादव नहीं चैनल है ना यूट्यूब ब्लॉगर मसलन लाइफ